complete figure 1.1 to indicate whether each of the quantities is a vector or scalar. Vector, scalar, scalar, vector, scalar. Vector, scalar, scalar. A ball is projected with horizontal velocity of 1.1 meters per second from a point A at the edge of a table as shown in figure 1.2. The ball lands on a horizontal ground at point B, which is a distance of 0.43 meters from the base of the table. Air resistance is negligible. Speed dv horizontal. Yes. Or horizontal distance. Diya hua hai to time nikal sakte hain. Time ka formula hota hai distance upon speed. Horizontal distance ko horizontal speed se डिवाइड कर दें, टाइम आ जाएगा 0.39. Use your answer in B part 1 to determine the height of the table. Time पता है? Initial speed जीरो वर्टिकल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जीरो एक्सेलरेशन 9.81 तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस निकाले एस का मतलब है हाइट डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉइंट सेवन फोर सिक्स ओके ईसा कैलकुलेटर है तो वहां पास नहीं क्यों डेंटिस्ट के पास कैलकुलेटर वहां छोड़ घर पर था मैं सीधा केमिस्ट्री क्लास Yeah. The ball leaves the table at time zero. For the motion of the ball between A and B, sketch the graphs on figure 1.3 to show the variation of time with acceleration. Acceleration change ho rahi hai. The acceleration is constant. Vertical component of displacement. Object vertically accelerate kar raha hai, nahi kar raha? Vertically object. एक्सेलरेट कर रहा है और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर स्पीड विल बी इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है इंक्रीजिंग ग्रेडिएंट ग्राफ बनेगा पहला पेपर ये जो बुक आप लोगों को मिली है ये ईयरली की बुक है इसमें सारे ईयरली पेपर्स हैं ठीक है तो आपने अब सीक्वेंस में चलना है कि अगर हम आज कर रहे हैं मार्च का पेपर तो मैं इसी सीक्वेंस में चलूंगा किसी को खुद से अगर पेपर करना हो तो वो आखिर में से करेगा सही है अगर आपको खुद दिल चाहे कि आज मैं अपने तौर पे एक पेपर ट्राई करूं घर बैठ के जो कि अच्छी बात है तो आप शुरू के पेपर्स में से ना करें आप आखिर के पेपर से बैकवर्ड शुरू करें तो यहाँ से हम आगे से आ रहे हैं पीछे से आप आ जाएंगे बीच में कहीं हम मिल जाएंगे बॉल ऑफ ग्रेटर मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टेबल विद द सेम वेलोसिटी एज द बॉल इन बी Air resistance is still negligible. State and explain the effect, if any, of the increased mass on the time taken for the ball to fall to the ground. Okay. अगर air resistance negligible हो, तो acceleration constant रहती है. तो अगर आपने same velocity से उस object को project किया है, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. Simple बात ये आप लिख सकते हैं नीचे अलग से कि acceleration of free fall without air does not depend upon
क्वेश्चन नंबर टू, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। तो एक दफा काइनेटिक एनर्जी 22 पे निकाल लेंगे और एक दफा काइनेटिक एनर्जी और फिर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो दो काइनेटिक एनर्जीज निकालें और माइनस कर लें, या फिर डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर की जगह पर एक दफा 22 का स्क्वायर, फिर एक दफा 12 का स्क्वायर करके डिफरेंस लें। याद रखिएगा कि 22 माइनस 12 का स्क्वायर नहीं है, 22 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, which means ऐसा ना हो कि आप 10 का स्क्वायर ले लें। 22 माइनस 12 इज 10, 10 का स्क्वायर लेंगे आंसर गलत आएगा। ये भी तो कर सकते हैं, अलग से निकाल के। यही बोला मैंने कि आसान ये है कि अब कंफ्यूजन ना हो, तो आप दो दफा काइनेटिक एनर्जी निकालें और माइनस करें। कैलकुलेट द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, mgh हाइट कितनी है 13, done. Show that the length of the track from x to y is 20 meters. Circle bana hua hai, quarter circle ke barabar hai ya nahi hai, quarter circle hai ya nahi hai. Dusri baat mujhe bataye, radius diya nahi diya, kitna hai circumference ka formula hota hai, 2 pi r. humne kitna circumference nikala, quarter. To jo answer aayega 2 pi r ka, usko 4 से डिवाइड कर देंगे, use your answers in part B part 1 and B part 2 to calculate the average resistive force acting on the carriage as it moves from x to y. कौन सी energy किसमें convert हो रही है? काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और हीट बढ़ रही है ना, सो वी कैन से के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। हीट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आया था, 9.9 एक्सपोनेंट 4 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना आया था, 7.5। इनको माइनस किया तो क्या मिल गया, हीट मिल गई। अब हीट आ गई तो फोर्स कैसे निकालेंगे, वर्क डन होता है एफ इंटू डी, हमें निकालना है एफ, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कितना है ऊपर 20। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं हीट, उसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस से 20 से, तो अब बस फ्रिक्शनल फोर्स आ गई। सर एक चीज बताया, पाउडर एटम्स माइनस से बैकवर्ड से क्यों हो सकता है सर, ठीक है। Describe the change in direction of the linear momentum of the carriage as it moves from x to y. पहले horizontal था, y पे क्या हो गया, vertical। Determine the magnitude of the change in linear momentum when the carriage move from x to y. X पे momentum vertical था, y पे x पे momentum horizontal था, y पे momentum vertical है, और हमने निकालना है change, which means हमने निकालना है resultant। क्या निकालना है? Resultant निकालने के लिए आपको पता है कि आप vector triangle बनाएंगे। Horizontal आपके पास है 580 into 22 और वर्टिकल कितना है 580 into 12। रिजल्टेंट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस वर्टिकल मोमेंटम का स्क्वायर और उसका रूट, जी बेटा एक मुश्किल फॉर्मूला है, ये है मोमेंटम हॉरिजॉन्टल, ये है मोमेंटम वर्टिकल, और फिर ये है रिजल्टेंट। सही है, विच इज पी, अब पी निकालना है मुझे। तीसरा ए स्टार स्टूडेंट है वाला, मैं आपको चेक कर रहा था कि आप कौन से दिन ये दिन आ गया मेरे को चेक करेंगे बहुत सा। आज तुमने पेपर अयान को सॉल्व करवा लो, नहीं दूसरा अयान, एक ही अयान बोलिए। हेलो, हाँ और जो कैसे
बेटा यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने 1.5 एक्सपोनेंट 4, कोई मसला? यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ? स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन बता दें. फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, टेंशन है ओरिजिनल लेवल पर, स्ट्रेस ई लाइन ही पढ़ा था ना वो आखिर इतने मुझे एक चीज याद आई थी, गाड़ी में बैठ के मेडिकल फिजिक्स पढ़ रहा था, वही पढ़ा था. बेटा डैनी आता है, सब कर लिया. फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है. Describe how measurements can be taken to determine accurately the cross-sectional area of the wire. Beta, area ka formula bataye. Pi d square upon 4. To area nikalne ke liye hame kya measure karna hai? Diameter. Isse? Micrometer is true gauge. डिस्क्राइब लिखा हुआ है, हमने कैलकुलेट करता नहीं, हमने बताना है कि कैलकुलेशन होगी कैसे, क्योंकि एरिया तो उन्होंने खुद दे दिया ना ऊपर. एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे अलोंग द वायर और फिर तमाम आंसर्स का एवरेज लेंगे. Determine the Young modulus of the material of the wire. Young modulus होता है FL upon AE. Young modulus E से भी represent करते हैं और Y से मैंने करवाया था, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. जो graph है उसमें gradient है F upon E. तो इसका मतलब है gradient आप graph से निकालें. ग्रेडियंट के लिए देखें 0.4 पर है 2 और 0.8 पर है 4. ठीक है, उससे जा रही है ना, तो 0 0 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. हां, ऐसे एक ही कोऑर्डिनेट भी ले लें तो हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास है. x जो है उसके साथ एक्सपोनेंट -3 लगाएंगे क्योंकि मिलीमीटर में. ग्रेडियंट आ रहा है 5000, ठीक है. यंग मॉडुलस हो जाएगा 5000 इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका ख्याल रखिएगा. अगर किसी जगह पर ऐसा हो तो वहां पर आप सिर्फ सिंगल वैल्यू नहीं ले सकते. मैंने ग्रेडियंट यूज किया है, मैंने वैल्यूज एक्सटेंशन नहीं लगाया, ग्रेडियंट मैंने निकाल लिया था. 5000 आया, 1.329 एक्सपोनेंट 11 पास्कल आ गया. यूज फिगर 3.1 टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर व्हेन द लोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 4.
तो इसका मतलब है हमने एरिया लेना है लेकिन सिर्फ 2 to 4 का लेना है, तो हम बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल को माइनस करते हैं। फोर न्यूटन पर एक्सटेंशन है 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 और 2 पर है 0.4 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो दो वैल्यूज को माइनस करना है आपने, दो दफा एनर्जी निकालनी है, एक 2 पर और एक 4 पर, और फिर उनको माइनस करना है। अगर आप स्क्वायर लगा दें, अगर आप k स्क्वायर लगा दें तो k तो कांस्टेंट होगा ना, k सेम रहेगा, वो 5000 ही है। The wire in B is replaced by a new wire of the same material. The new wire has twice the length and twice the diameter of the old wire. The new wire also obeys Hooke's law. On figure 3.1, sketch the variation with extension of the load for the new wire from x0 to 0.8. Young modulus tha, gradient into length upon एरिया की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, लेकिन पाई और 4 कांस्टेंट होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेडियंट बाद में क्या होगा हमें नहीं पता, लेंथ डबल हो गई है और डायमीटर भी डबल हो गया, तो जो नया ग्रेडियंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पुराने वाले ग्रेडियंट का ट्वाइस लिखा हुआ था, द न्यू वायर हैज ट्वाइस द लेंथ एंड ट्वाइस द डायमीटर। तो बेटा उस पे d पर 2d हुआ है ना, तो स्क्वायर करोगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो नया वाला जो वायर है उसका ग्रेडियंट पुराने वाले का डबल होगा, तो डबल होगा तो ग्रेडियंट नई वाली लाइन कहां बनेगी, 0.4 पे वो 2 था, ये 0.4 पे 4 होगा। पहले वाली जो लाइन थी वो 0.4 पे 2 थी ना, जो नई वाली लाइन होगी वो 0.4 पे 4 होगी, डबल ग्रेडियंट है, तो स्टीप होगी लेकिन डबल। उस पर लिखना क्या है, सी लिखना, पार्ट सी का आंसर है, इसलिए उस पर लिखना है पार्ट सी। पहले आ गए सबने, स्टेशनरी वेव के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड, वेव सोर्सेस मस्ट मीट एट अ पॉइंट और Thank you.
फिर उसके बाद उन्होंने जो सीआरओ का ग्राफ दिया है आपको, एक वेव कितने बॉक्स में बन रही है? सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्पीड कितने दी हुई है और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो टाइम पीरियड मिल जाता है तो टाइम पीरियड हो गया वन अपॉन फ्रीक्वेंसी 5.45 एक्सपोनेंट माइनस 4 ये आ जाए टाइम पीरियड और कितने बॉक्स में बन रही थी वेव 5.3 तो अगर हमें पर बॉक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे एक वेव 5.5 तो एक सेंटीमीटर के लिए डिवाइड कर दें उसको 5.4 से Part 3, the intensity of the sound from the loudspeaker is now halved. Intensity अगर half हो जाए, तो amplitude divide by root 2 हो जाता है. बताया था, intensity अगर double होगी, तो amplitude multiplied by root 2 होगा. और intensity अगर half होगी, तो amplitude divide by root 2 होगा. The wavelength of the sound is unchanged. Assume that the amplitude of the trace is proportional to amplitude of the sound waves. Sketch the new trace shown. तो पहले amplitude कितना था? 12. पहले एम्पलीट्यूड कितने बॉक्स है बारह बॉक्स है 12 अपॉन रूट टू करें कितना है 8.4 तो 8 पर देखें हमने बनाई हुई है जो नई वेव है उसकी वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी टाइम पीरियड भी सेम होगा हाँ तो मैंने वही से काउंट किया ना 12 बॉक्स 12 डिवाइडेड बाय रूट 2 हो गया तो वो 8 आ गया 8 पर मैंने नई वेव बनाई है एम्पलीट्यूड उसका 8 छोटे बॉक्सेस के बराबर सिंपल बात याद रखिएगा इंटेंसिटी डबल तो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 और अगर इंटेंसिटी हाफ तो एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय रूट 2 होता है तो देख के बनाते पार्ट सी द लाउड स्पीकर बी इज हेल्ड अबव अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ लिक्विड एज शोन इन फिगर 4.2 ए A tap at the bottom of the tube is opened so that the liquid drains out at a constant rate. The wavelength of the sound from the loudspeaker is 0.18 meter.
The sound that is heard first becomes louder when the liquid surface reaches level A. तो level A पे loud sound है या low? Loud है. But the next time that the sound becomes louder is B. A पर भी loud है और B पर भी. तो A पर antinode और B पे भी antinode. Antinode to antinode half wavelength होता है. Wavelength दी भी है? दी भी है बेटा 0.18. फर्स्ट हार्मोनिक ए पर आया है. कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. जल्दी से बताया कितना आया? 0.5 into वेवलेंथ का हाफ कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है. वो आगे के लिए दूसरा वाले चेक करके आगे चलो. पार्ट टू ऑन फिगर 4.3 लेबल विद द लेटर एन the positions of the nodes of the stationary wave that is formed in the air column when the liquid surface is at level B. Ab level B mein mujhe bataye kya hai? Antinode. नोड बनेगा लेवल बी पर हमेशा क्लोज्ड एंड पे क्या बनता है? देखिए जो आप चीज कंफ्यूज कर रहे हैं ना इसमें कि लेवल ए पर जब आपको लाउड साउंड मिली थी तो एंटी नोड बन कहां रहा था? एंटी नोड बन रहा था यहां पर जिस जगह पर स्पीकर है वहीं पर. ठीक है हमेशा पानी जहां पर होगा वहां पर तो बनेगा नोड. ठीक है तो लेवल ए से लेवल बी तक जब आपके पास डिफरेंस आया तो वो डिफरेंस बराबर आया क्वार्टर वेवलेंथ के इसलिए हमने वहां से वेवलेंथ का हाफ किया था विच इज 0.18 का डिवाइडेड बाय 2. कर लिया था सबने? पार्ट थ्री पे आ जाए. द मास ऑफ लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज 6.7 ग्राम पर सेकेंड. द ट्यूब हैज एन इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. डेंसिटी दी हुई है. कैलकुलेट द टाइम टेकन. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मास निकाले पहले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके. वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ. एरिया दिया हुआ है और लेंथ भी दी हुई है. ए टू बी की लेंथ आप निकाल चुके हैं ना पर 0.09. डेंसिटी है 0.79 और वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ जो आपने लिया है वो मीटर में लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे. सेंटीमीटर में लेंगे जीरो पॉइंट जीरो नाइन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. 9 सेंटीमीटर. तो डेंसिटी कितनी आ रही है? 0.7. मास कितना आ रहा है? 0.7 इनटू 13 इनटू 9 कितना आ रहा है? 92.43 ग्राम. ये मास आ गया. 6.7 ग्राम एक सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 92.43 ग्राम
कितने सेकंड में फ्लो करेगा? सर 13.79 आ रहा है. राउंड ऑफ कर दिया 14 सेकंड बाद. स्टेट के चौप सेकंड लॉ इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ. हाँ टू बैटरीज ईच ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 3 रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर 5.1. Resistor X has resistance 4 and resistor Y has resistance 1.5. The resistance R of the variable resistor is changed until the voltmeter in the circuit reads 0. Calculate the current I in the circuit. Is closed loop ki agar hum baat karein, to 6 ho jayega. 4 इंटू आई के बराबर इसकी बात हो रही है. ठीक है. सो V इज इक्वल टू आई आर. आई इज इक्वल टू V अपॉन आर. 6 माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का सेम है या नहीं है? Same over. Yes. 6 plus 6 matlab sum of EMF is equal to sum of potential difference. I into tamam resistors ka sum. Total EMF is equal to sum of total potential difference jo ke right side pe likha. So, to R value 0 jayegi. R ki value 0 jayegi. सिक्स माइनस फोर आई इज इक्वल टू जीरो. फोर आई इज इक्वल टू 6. कितना आ गया आई? 1.5 एम्पीयर. ये आ गया पार्ट वन का. पार्ट टू में जो वर्किंग हमने की है किरचॉफ सेकंड लॉ से 6 प्लस 6 इज इक्वल टू आई इंटू 4 प्लस 1.5 इंटू आर. 12 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई थी? इंटू 4 प्लस 1.5 हो गया 5.5 प्लस आर. 12 अपॉन 1.5 कितना आया? 8. 5.5 माइनस कर दो क्या आंसर आता? 12 अपॉन 1.5 हो गया 8. 8 इज इक्वल टू 5.5 प्लस आर. आर हो जाएगा 8 माइनस 5.5. आंसर इज 2.5. Resistors X and Y are wires made from the same material. The diameter of wire X is twice the diameter of wire
Why? Determine the average drift speed. Drift speed का formula होता है I upon Na Q. ठीक है, I upon Na Q को I upon Na Q से divide करना है. Series में लगे हुए तो current cancel हो गया और N cancel हो गया क्योंकि material same है. Q से Q cancel हो गया क्योंकि दोनों की value 1.6 exponent minus 19 है. AX 1 upon AX divided by 1 upon AY है तो ये हो जाएगा AY upon AX. Area का formula होता है pi D square upon 4. Pi और 4 cancel हो गए तो DY square upon DX square और ऊपर लिखा हुआ है कि DX is equal to 2 times DY. dy square upon 4dy square answer is 1 upon 4.25. The resistance of the variable resistor is now increased. State and explain the effect of the resistance of the increase in resistance on the power transformed by each of the batteries. Power mein kya fark aayega? Agar resistance increase karenge to current kya ho jayega? Aur current kam hoga to power hoti hai V into I, V constant hai. पावर में कोई चेंज, पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा. यस, sample of radioactive isotope emits a beta radiation. State the change, if any, to the number of neutrons in the nucleus of the sample that emits beta negative particle. Beta negative particle मतलब क्या है? Electron. Electron ना, लेकिन beta negative में कौन decay करता है? Neutron या proton? Proton. Neutron. Neutron. Beta positive decay में proton decrease करता है, beta negative decay में neutron decrease करता है. The number of beta particles passing a fixed point in the beam in a time of 2 minutes is 9.8 exponent 10. Calculate the current in pico amperes produced by the beam of beta particles. Current ka formula? Pico minus 6 minus 12. Ek beta particle ke paas charge hai 1.6 exponent minus 19 ka. 9.8 exponent 10 mein kitna charge ho jayega? 9.8 exponent 10 ko 1.6 exponent minus 19 se multiply kar denge. करंट तो बताए चार्ज अपॉन टाइम डिवाइड कर दो 2 मिनट्स मतलब 2 इनटू 60 से 1.31 एक्सपोनेंट माइनस 10 जो आंसर आया था वो आया था माइनस 10 में हमने माइनस 12 में कन्वर्ट करना है तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करते हैं 130 पिको एम्पीयर आंसर है. Suggest why the beta particles are emitted with the range of kinetic energies. The particles emit हो रहे हैं इसके साथ दूसरे particles मतलब anti neutrinos या neutrinos भी emit हो रहे होते हैं depend करता है कि beta negative decay या beta positive. तो कुछ energy उनके साथ share होती. सर वो weak nuclear force इसमें ले सकते हैं? क्या चीज़? वीक न्यूक्लियर फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है
क्या चीज दोबारा बोलो? वीक न्यूक्लियर फोर्स. बेटा आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो साथ. सर मैं बाद में बता दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दो. यस ये आखिरी क्वेश्चन था. आज की क्लास में इतना ही. सी यू नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.